नमस्कार, जय जगन्नाथ। समस्त की वेलकम करुच्ची मोर आउ एक नुआ वीडियो रे। आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे थिबे, प्रिपेरेशन भी भलरे चलथिबो। तो या पूर्वर जो क्वेश्चन टा पचारथिली लास्ट रे, जो 20 नंबर टा जो थिला आमर बन क्वेश्चन टा, तो राइट आंसर बहुत जन देचंती, तो समस्त कंग्रेचुलेशन। आमर राइट आंसर टी होची 18%। आमर 18% तार टोटल बन हेतला, कारण से क्वेश्चन रे पचारथिला तार एंटीरियर चेस्ट आउ एब्डोमिनल, माने जो फ्रंट साइजटा चेस्ट आउ आबडोमिनाल, आमर 9-9 धराई, 9-9 18 18% आमर तार बन होता। जदि से पोस्टेरियर कहता ताहले आमर पछरे भी आमर 9-9 18, तो आंटेरियर कही मैंने तेणु करके आम केवल फ्रंट साइडटा ही देखा। तो जो मैंने 18 देखा राइट आंसर, समस्त कंग्रेचुलेसन। तो चलते स्टार्ट करवा आज क्वेश्चन। आज प्रथम क्वेश्चन है, द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज विदिन ए जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज, माने कौन क्वेश्चन देला, गोटे कांस्टेंट प्रेजेंस रोज गोटे डिजीज गोटे जियोग्राफिकल एरिया, माने गोटे भौगोलिक एरिया रे बा स्थान रे से कौन गोटे डिजीज से कांस्टेंट प्रेजेंट रोथबो, माने क्रमगत भाव रे सेठी कौन से उपस्थिति थिबो, सेटा को हमरो कौन कहूची आमो मेडिकल टर्म रे, ताको हमरो कौन कहूची बोली एठी से क्वेश्चन करची। तो कोहंतु हमरो ऑप्शन कोन देला, देखंतु ऑप्शन ए रे देला एंडेमिक, ऑप्शन बी रे देला एपिडेमिक, ऑप्शन सी रे देला पेंडेमिक, ऑप्शन डी रे देला नॉन ऑफ दिस। तो कहतु कौटा आम राइट आंसर हम या भितर, तो आम राइट आंसर टी हम ऑप्शन ए एंडेमिक। एंडेमिक मैंने मैंने गोटे डिजीज जोटा कि आम गोटे पर्टिकुलर भौगोलिक स्थान में देखा हो, मैंने से रोगटा केवल से ही जगह ही देखा हो, तो से ही जगह कौन कह एंडेमिक कह। एपिडेमिक, एपिडेमिक मैंने मैंने गोटे रोग में बहु संख्यक लोक मैंने पूरा सडनली स्प्रेड हम से डिजीजा, से आम एपिडेमिक कहे। कितु मैंने एंटर मैंने होल वर्ल्ड में हेनी कि आम भारत वर्ष एरिया धर आम ओडिशा रे हेला, बिहार रे हेला, एमती जगा जगार हम मानते अधिक संख्यक स्प्रेड हम सडनली। किंतु पैंडेमिकटा हूँ आमर जो गोटे रोग से मैंने आम समग्र देश आ समग्र विश्व में होता को आमर पैंडेमिक कहे। पैंडेमिक गोटे एग्जाम्पल नवा करोना, करोनाटा कौन आम गोटे पैंडेमिक, जिते जो करोनाटा मैंने खाली वुहान सहर में मानने फास्ट स्टार्टिंग जदि से एरिया रे जदि खाली स्प्रेड है, तो सेटा कौन कहगला एंडेमिक कहगला। जदि से एरिया रु चाइना रु ता पाखापाखी एरिया स्प्रेड है, तो सेटा को आमर कौन कहला एपिडेमिक, सेटा जो आम सारा मानने विश्व प्रभाव है सेटा को कौन कहगला पैंडेमिक। तो आशा करुच्ची आपण मैंने एंडेमिक, पैंडेमिक आउ एपिडेमिक बुझिपारे। तो आमर राइट आंसरटा है एंडेमिक। तो चलन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। दि नंबर क्वेश्चन कौन दे, द हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज सिचुएटेड इन, आमर जो WHO अच्छी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तार हेडक्वार्टर कौटे अवस्थित। तो कहतु आमर ऑप्शन कौन दे, देखु आमर ऑप्शन ए देला स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी देला जेनेवा, ऑप्शन सी रे देला रोम, ऑप्शन डी रे देला इटाली। तो कहतु आमर WHO रो हेडक्वार्टर कौटी अवस्थित, प्राय तो जानते समस्ते कहतु। आमर राइट आंसर टी हम ऑप्शन बी जेनेवा, आमर WHO रो हेडक्वार्टर हूँ कौटी जेनेवा। तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन नंबर क्वेश्चन कौन देला, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, मैंने कौन कहला क्वेश्चन ना आमर जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्रामटा ताको रिवाइज करी ताको केबे पुणी स्टार्ट करागला, पुणी संशोधन करी ताको पुणी केबे स्टार्ट करागला आमर जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्रामटा। तो देखंतु आमर ऑप्शन कौन देला, ऑप्शन ए रे देला 1985, ऑप्शन बी रे देला 1989, ऑप्शन सी देला 1993, ऑप्शन डी देला 1999। तो कहतु आमर जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्रामटा केबे रिवाइज रहितला, तो कहतु या भितर कोडा राइट आंसर हबो। हमर राइट आंसर टी है ऑप्शन सी 1993 रे कौन होता, आम जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्रामटा ताको रिवाइज कराई पुणी आउ थे पुनः स्टार्ट करागला। तो आउ कौन आम जो चाइल्डहुड बेले आम ट्यूबरक्लोसिस कौन दिया हूँ, आमर चाइल्डहुड जो ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करिया पाई BCG टीका दिया हूँ। तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन।
आमर 4 नंबर क्वेश्चन कौन दला इन ए विलेज द प्राइमरी हेल्थ सेंटर कवर पॉपुलेशन आमर गोटे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटरटा मान पीएचसी टा केते पॉपुलेशन ले कवर रे आमर गोटे पीएचसी होउची तो कहतु सब या पूर्व तो मुझे बनई वीडियो तो कहतु ऑप्शन कौन दला देखु आमर ऑप्शन ए दला 30,000 ऑप्शन बी दला 70,000 ऑप्शन सी दला 50,000 ऑप्शन डी दला 10,000 तो कहतु कौटा आम राइट आंसर हम केते पॉपुलेशन ले आमर गोटे पीएससी होउची कहतु सब तुम राइट आंसर टी होची ऑप्शन ए 30,000 30,000 पीपल ले आमर गोटे कौन गोटे पीएससी होची गोटे विलेज रे कौन 30,000 पॉपुलेशन ले गोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर होची तो देखंतु ए चार्टा देखंतु ए चार्टा या पूर्वर भी मुझे क्वेश्चन बनैथिली या ऊपर सब सेंटर ऊपर क्वेश्चन बनैथिली देखंतु गोटे सब सेंटर केते प्लेन एरिया रे हमरो 5,000 पॉपुलेशन ले हमरो गोटे सब सेंटर रहउची जदी हिली एरिया रे हमरो बा ट्राइबल एरिया रे हमरो 3,000 पॉपुलेशन ले गोटे सब सेंटर रहउची हमरो आजिरो क्वेश्चन कोन थिला पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर थिला तो नॉर्मल हम जो प्लेन एरिया रे हमरो 30,000 पॉपुलेशन ले गोटे पीएससी होउची आ जो हिली ट्राइबल एरिया रे 20,000 पॉपुलेशन ले गोटे पीएससी होउची से भली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बा सीएससी सीएससी हमर केते प्लेन एरिया रे होउची 120,000 रे हम प्लेन एरिया रे आ हिली ट्राइबल एरिया होउची 80,000 80,000 हेले जाईकी गोटे सीएससी होउची तो ए चारटा को मन रखिबे चलन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आमर 5 नंबर क्वेश्चन देला मिड डे मिल प्रोग्राम व्हाट स्टार्टेड इन इंडिया आमर जो मिड डे मिल प्रोग्रामटा केबे स्टार्ट हेतला हम इंडिया रे तो कोहंतु ऑप्शन कोन दला देखंतु आमर ऑप्शन ए रहला 1966 ऑप्शन बी रे दला 1998 ऑप्शन सी रे दला 1970 ऑप्शन डी रे दला 1995 तो कहतु आमर कौटा राइट आंसर हम आमर जो मिड डे मिल प्रोग्रामटा आम इंडिया रे केबे स्टार्ट हेतला कहतु या भितर कौटा राइट आंसर राइट आंसर टी हम 1995 रे मिड डे मिल प्रोग्रामटा आम इंडिया रे स्टार्ट हेतला आउ एटा कौट फास्ट स्टार्ट हेतला एटा तमिलनाडु रे ए स्कीमटा फास्ट स्टार्ट हेतला ए जो मिड डे मिल प्रोग्रामटा स्टार्ट करिवारो तन मेन प्रपोज कौन ना छुआ मैंने कौन सबू आसबे स्कूल आसबे आउ गोटे जगार गोटे स्थान रे जाति धर्म वर्ण सबू निर्विशेष गोटे स्थान रे बसिकी एकत्रित होइकी खाद्य खाइबे जेमिति से मैंने कास्ट रिलीजन ए सबू तांकर भेदभाव रहिबनी आउ कौन पाई ना आमर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जेमिति न होबो ता पाई आउ कौन ना आम स्कूल अटेंडेंस जेमिति मैंने कौन बेसी छुआ आसुनांती स्कूल को किंतु खाइबा बाहाना देखिले कौन स्कूल अटेंडेंस भी फिल तो से सब प्रपोज पर मिड डे मिल प्रोग्रामा स्टार्ट कराई तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कौन दला ह्विच हेल्थ पर्सन लिंक्स बिटवीन एएनएम एंड अंगनवाड़ी वर्कर मैंने कौ हेल्थ पर्सन जीए एएनएम आउ अंगनवाड़ी वर्कर मध्य लिंक रखुची तो कहतु आमर ऑप्शन कौन दला देखु हमरो कौन दिला ऑप्शन ले ऑप्शन ए दिला एलएचबी ऑप्शन बी रे दिला आशा ऑप्शन सी रे दिला पीएचबी ऑप्शन डी रे दिला हमरो सोशल वर्कर तो कहतु एएनएम आउ अंगनवाड़ी भितर जो लिंक रखे किए से रखे पूरा इजी क्वेश्चन अच्छे कहतु तो आम राइट आंसर टी हम ऑप्शन बी आशा आशा कौन करे ना एएनएम आउ अंगनवाड़ी वर्कर मध्य कौन लिंक रखे जेकोसी कार्य को से मैंने कौन करती सुरखुरी करती कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन रखिकी से मैंने एएनएम अंगनवाड़ी आशाकर्मी मैंने कार्य को सफल कर आशा आमर कौन आशा आमर 1,000 पॉपुलेशन ले गोटे आशा रुहत आउ आशार फुल फॉर्म कौन एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आउ सी कौन सी 10th पास कर दरकार मैंने क्वालिफिकेशन ले से 10th पास करेंगे आउ तांकर बयस सीमा केते 25 रु 45 हेतुवा आवश्यक सेई बयस भितर हेले से कोन जने आशा हे परिबे आशा सेई विलेज रो कोन लोकल लोक हेतुवा दरकार तो आशा रो क्वालिफिकेशन आशा रो बयस सीमा जानिले आशा रिलेटेड जहा क्वेश्चन पडिवो तो आपण माने लेखि परिबे तो चालन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन
सात नंबर क्वेश्चन देला पेशेंट आर टू बी आइसोलेटेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट माने एटी क्वेश्चन कहला एटी सबू जो अच्छी सबू डिजीज रे आइसोलेशन हबो गोटे रोग को एक्सेप्ट करी माने बाद करी तो देखंतु को डिजीज रा सब जाउची ऑप्शन ले कोन देला तो ऑप्शन ए देला एंथ्रेक्स ऑप्शन बी देला स्मॉल पॉक्स ऑप्शन सी देला प्लेग ऑप्शन डी देला एड्स तो कहतु या भितर जो आइसोलेशन हुए नहीं कौटा कौ डिजीजा या भितर आइसोलेशन करा जाए नहीं तो कहतु या भितर कौटा हम आम राइट आंसर तो आम राइट आंसर टी हम ऑप्शन डी एड्स एड्स को आम आइसोलेट करा जाए ना आउ सब जो गुराक रहा से आइसोलेट करा जाए सब कौन ड्रॉपलेट इनसेक्ट ए सब द्वारा व्यापुचे तो यह सब आइसोलेट कर रखा जाए किंतु एड्स को आइसोलेट करा जाए ना एड्स क्या द्वारा व्यापे ना जदि मैंने जड़े अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर एच आई वी एड्स जदि पर्सन थी ताहले से जनक कि मल्टीपुल पार्टनर सहित रखुच्चे कौन एच आई वी एड्स हबार चांसेस थाए आउ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो ब्लड आमर ट्रांसफ्यूजन करादी आम चेक करवानी प्रॉपर्ली मे बी कौन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा भी एच आई वी एड्स व्यापी थाए आउ कौन आउ प्रेगनेंसी लेडी जदि मदर पाखु फिटस पाखक जाए कमी प्लासेंटा थ्रो रे कौन जदि एच आई वी पॉजिटिव थी मदर ताहले कौन बेबी पाखक जबार चांसेस थाए आउ कौन ना इनफेक्टेड निडिल प्रिक हेले आमर जदि इनफेक्टेड निडिल माने एच आई वी एड्स पेसेंट पाखु टच होती तो से निडिल जदि कहला पिक हेला ताहले एच आई वी एड्स व्यापार संभावना थाए तो चल जा नेक्स्ट क्वेश्चन आठ नंबर क्वेश्चन देला इन इंडिया टू अडॉप्ट ए चाइल्ड अप टू फोर इयर्स द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स ठीक कौन क्वेश्चन देला मैंने कहे इंडियन अडॉप्ट करेंगे गोटे चाइल्ड को तो से फोर इयर्स पर्यंत तो मैक्सिमम एज लिमिट आम के रोचे पेरेंट्स मानक तो ऑप्शन आम कौन देला देखो ऑप्शन ए देला 90 इयर्स ऑप्शन बी रे देला 45 इयर्स ऑप्शन सी देला 55 इयर्स ऑप्शन डी रे देला 35 इयर्स तो कहतु आमर एज लिमिट केते हबा आवश्यक तो आम राइट आंसर टी हबा ऑप्शन बी 45 इयर्स 45 इयर्स हेले ही कौन जन चाइल्ड को अडॉप्ट करि हबो तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आमर नौ नंबर क्वेश्चन था टू सेलिब्रेट 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च आमर जो जो इंडिपेंडेंस डे रहा जो एनिवर्सरी 75th आमर जो एनिवर्सरी रे आम सेंट्रल गवर्नमेंट कौन लॉन्च करते तो ऑप्शन देखो आमर कौन देला ऑप्शन ए देला हर घर तिरंगा ऑप्शन बी देला आजादी का अमृत महोत्सव ऑप्शन सी देला जय जवान जय किसान ऑप्शन डी देला जय भारत तो कहतु आमर ये भितर कौटा आम जो सेंट्रल गवर्नमेंट आमर जो 75 एनिवर्सरी इंडिपेंडेंस डे रे ये को लॉन्च करथला ये भितर कौटा लॉन्च होइतला कहतु तो आम राइट आंसर है ऑप्शन बी आजादी का अमृत महोत्सव आमर जो इंडिपेंडेंस डे रे आजादी का अमृत महोत्सव को लॉन्च कराई आम सेंट्रल गवर्नमेंट एको लॉन्च करते तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन दस नंबर क्वेश्चन कौन देला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ब्राकेट आम देला पी एम जे ए वाई पॉपुलर नोन आज आमर जो जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाटा आउ को नारे पॉपुलर अच्छी बोली से क्वेश्चन करछी तो आमर ऑप्शन देखंतु ऑप्शन ए रे देला आरोग्य भारत ऑप्शन बी रे देला आयुष्मान भारत ऑप्शन सी रे देला इंश्योरेंस फॉर ऑल ऑप्शन डी रे देला गरीबों का आरोग्य योजना तो कहतु आमर जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाटा पॉपुलर आउ कौन नारे पॉपुलर अच्छी ये भितर कौटा आम राइट आंसर कहतु तो राइट आंसर टी हम ऑप्शन बी आयुष्मान भारत आमर जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाटा आउ कौन नार पॉपुलर अच्छी ना आयुष्मान भारत तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन एगार नंबर क्वेश्चन ह्वाट इज द इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट हेले आम इमीडिएट ट्रीटमेंट कौन दबा ऑप्शन कौन देला देखंतु
ऑप्शन ए रहला हॉस्पिटलाइज, ऑप्शन बी रहला वॉश वुंड विथ सोप एंड वाटर, ऑप्शन सी दला एप्लीकेशन ऑफ आइस, ऑप्शन डी दला प्राइमरी सुचरिंग। तो कहतु कौटा आम कर डॉग बाइट हेले इमीडिएट ट्रीटमेंट आम कौन या भितर कौटा करवा आम राइट आंसर टी हम ऑप्शन बी वॉश वुंड विथ सोप एंड वाटर। जदि कुकुर कामुड़ी ताले इमीडिएट ट्रीटमेंट है आम फास्ट क्लीन करवा वॉश करवा सोप रे नॉर्मल वाटर रे। तो चलो जीबा नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देला ओरल पिल्स शुड नॉट बी गिवन टू ओमेन विथ ह्विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कौ कंडीशन ले आमर ओरल पिल दिया जीवनी महिला मान को क्वेश्चन करछि। तो ऑप्शन देखों तो हमरा कोन देला, ऑप्शन ए रे देला मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, ऑप्शन बी रे देला हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी रे देला आस्थमा, ऑप्शन डी रे देला वजाइनल इन्फेक्शन। तो कौन तो या भीतर कौ कंडीशन ले आमर ओरल पिल दिया जीव नाही तो कौन तो सब। राइट आंसर टी हम ऑप्शन बी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कंडीशन ले आमर ओरल पिल दिया जीवनी महिला मानकु। तो चलो जीबा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देला मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मॉम्स इन चिल्ड्रेन इज। आमर जो मॉम्स हेले चिल्ड्रेन मानकु कौन कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखा होची बोली से क्वेश्चन करची। तो ऑप्शन कौन देला देखंतु, ऑप्शन ए देला निमोनिया, ऑप्शन बी रे देला पानकराटाइटिस, ऑप्शन सी रे देला एस्पेटिक मेनिंगजाइटिस, ऑप्शन डी रे देला एनसेफलाइटिस। तो कहतु या भितर कौटा होची आमर कॉमन कॉम्प्लिकेशन मॉम्स हेले चिल्ड्रेन मानकु कहतु या भितर कौटा राइट आंसर। राइट आंसर हम एसेप्टिक मेनिंगजाइटिस। आमर जदि मॉम्स हैला चिल्ड्रेन मानकु तांकर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन देखा होची ना एसेप्टिक मेनिंगजाइटिस। तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कौन देला नेशनल मैलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज कन्वर्टेड इनटू नेशनल मैलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम इन द ईयर। ये कौन क्वेश्चन कहला आम जो नेशनल मैलेरिया कंट्रोल प्रोग्रामा केबे कन्वर्ट होकी नेशनल मैलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम रे लॉन्च है। तो कहतु आम ऑप्शन कौन देला देखूँ कौ ईयर रे आम इराडिकेशन प्रोग्रामा कन्वर्ट होता। तो देखु ऑप्शन कौन, ऑप्शन ए देला 1958, ऑप्शन बी देला 1963, ऑप्शन सी देला 1968, ऑप्शन डी देला 1973। तो कहतु या भर राइट आंसर कौटा हम आम के कन्वर्ट होता कहतु। राइट आंसर टी हम ऑप्शन ए 1958 रे आमर कौन नेशनल मैलेरिया कंट्रोल प्रोग्रामा कन्वर्ट होकर नेशनल मैलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम रे आमर होता। तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कौन देला अंडर नेशनल टीवी कंट्रोल प्रोग्राम द आब्रिवेशन डॉट्स रो मीन्स माने एटी डॉट्स रो मीन्स एटी से क्वेश्चन करछि। तो हमरो ऑप्शन देखंतु कौन देला, ऑप्शन ए रे देला डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म, ऑप्शन बी रे देला डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टर्म शॉर्ट, ऑप्शन सी रे देला डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरापी शॉर्ट टर्म, ऑप्शन डी रे देला आमर नॉन ऑफ द एबव। तो कहतु या भितर आम डॉट्स रो फुल फॉर्म आम कौन कहतु सब। आमर ऑप्शन सी होची राइट आंसर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरापी शॉर्ट टर्म। आमर डॉट्स रो फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरापी शॉर्ट टर्म। तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देला ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। या भितर कौटा आमर कम्युनिकेबल डिजीज नुहे। तो ऑप्शन देखंतु कौन देला, आमर ऑप्शन ए रे देला मैलेरिया एंड फाइलेरिया, ऑप्शन बी रे देला ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी, ऑप्शन सी रे देला कैंसर, ऑप्शन डी रे देला एड्स। तो कहतु या भितर कौटा आमर कम्युनिकेबल डिजीज नुहे। तो कहतु तो आम राइट आंसर टी हम ऑप्शन सी कैंसर। कैंसरटा कौन, कैंसर आमर गोटे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन।
सत नंबर क्वेश्चन द नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन आमर जो फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम टा केबे लॉन्च हेतला कोंतु आमर ऑप्शन कोन देला देखंतु ऑप्शन ए देला 1955 ऑप्शन बी देला 1965 ऑप्शन सी देला 1975 ऑप्शन डी देला 1985 तो कोंतु केबे आमर नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम टा लॉन्च हेतला कोंतु सब राइट आंसर टी हबो ऑप्शन ए 1955 रे हमरो जो नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम टा लॉन्च हेतला तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन हमरो 8 नंबर क्वेश्चन कोन देला फर्स्ट 5 इयर्स प्लान इन इंडिया स्टार्टेड एट हमर जो कोन क्वेश्चन देला जो पंचवार्षिक योजना जो सेटा फर्स्ट केबे स्टार्ट हेतला बोली से क्वेश्चन करछि तो कोंतु हमरो ऑप्शन कोन देला देखंतु आमर ऑप्शन ले देला 1950 ऑप्शन बी रे देला 1951 ऑप्शन सी रे देला 1952 ऑप्शन डी रे देला 1953 तो कुहंतु प्रथम पंचवार्षिक योजनाटा केबे स्टार्ट हेतला फास्ट राइट आंसर टी होची ऑप्शन बी 1951 ले आमर प्रथम पंचवार्षिक योजनाटा स्टार्ट हेतला तो चालंतु जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कौन दला द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्टेड इन आमर कौन क्वेश्चन कहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम टा कोठे स्टार्ट हेतला प्रथम तो ऑप्शन कौन दला देखंतु आमर ऑप्शन ए रे दला स्वीडन एंड जीडीआर ऑप्शन बी रे दला यूएसए एंड यूएसएसआर ऑप्शन सी रे दला फ्रांस एंड जापान ऑप्शन डी रे दला नन ऑफ द अबव तो कुहंतु आमर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम टा कोठे फास्ट स्टार्ट हेतला तो कुहंतु राइट आंसर टी हबो ऑप्शन ए स्वीडन एंड जीडीआर स्वीडन ले फास्ट हमर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम टा स्टार्ट हेतला तो चलंतु आजर लास्ट क्वेश्चन कोन रहला देखिबा जो लास्ट क्वेश्चन हैला ए डिजीज दैट स्प्रेड ओवर ए होल कंट्री और द होल वर्ल्ड इज कॉल्ड माने ए क्वेश्चन टा कोन कहला गोटे डिजीज जहा कि माने पूरा कंट्री रे आ सारा विश्व रे स्प्रेड हे छि तो ताकु आमे कोन कहिबा बोली सेठी कहि छि या पूर्व मु आपण मन कहि छि तो ऑप्शन देखंतु ऑप्शन ए रे देला एपिडेमिक ऑप्शन बी रे देला पेंडेमिक ऑप्शन सी रे देला एंडेमिक ऑप्शन डी रे देला नन ऑफ द एबो तो कुहंतु या भीतर कोटा हबो या पूर्वरु आप पूरा डिटेल्स को आइतला तो ये आंसर टा मु आपनको छाडली आपन यार आंसर कमेंट माध्यम रे कहि जणैबे जदि भल लागुछि वीडियो रा प्लीज लाइक सब्सक्राइब करंतु आ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु आज पई तो एतिकी विदाय नउछि नमस्कार जय जगन्नाथ।